जलवा गए नूर गए के सरापा रजा का गए तस्वीरे सुन्नियत के चेहरा रजा। 14 मुहर्रम अल हराम सरकार मुफ्ती आजम कुतब आलम मुस्तफ़ा रजा खान साहब नूरी अलैह रहमत व रिजवान का उर्स शरीफ है। हजरत ने माशाल्लाह मुफ्ती आजम का जो फैज पाया वो अब और किसी की शख्सियत में नजर नहीं आता। उनके इल्म अमल सीरत व किरदार पर भी कुछ बयान फरमा दें, करम बालाए करम होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। हुज़ूर मुफ्ती आजम हिंद नबर अल्लाह ताला मरकदहू आला हजरत से बराह रास्त फैज पाने वाले और उनकी खिदमत में बैठने वाले जो बुजुर्ग गुजरे उनमें सर फहरिस्त बहुत मुमताज नाम हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद नबर अल्लाह ताला मरकदहू का है। और आप अपनी सूरत में और सीरत में मजहरे आला हजरत थे और आपका कलम फैज रकम जिसने उसकी जवानियां देखी हैं वो अगर नीचे दस्तखत न हो तो आदमी ये तमीज नहीं कर सकता कि ये तहरीर आला हजरत की है या आदत के साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद की है। और यही नहीं, तर्ज इस्तिदलाल और तहरीर की रवानी और जवानी यही नहीं मिलती थी आला हजरत से, तहरीर भी खत भी हुज़ूर मुफ्ती आजम हिंद का ऐसा आला से मिलता था कि आदमी मुश्किल से तमीज कर सकता है दोनों खतों में। दोनों का खत एक था और आपके इमामे के पेज वगैरह बुजुर्गों ने यह बताया कि बिल्कुल आला हजरत के तर्ज पर आप इमामा बांधते थे और उसके साथ तसल्लुब और गैरत हक और जुरअत का आलम यह था कि आपकी मजलिस में कोई बड़े से बड़ा आ जाए, ऑफिसर आ जाए, दुनियावी शौकत व हिकमत वाला कोई आ जाए, कोई बात खिलाफ शरा देखते थे फौरन टोकते थे और लोगों पर हैबत हक इस मर्द हक की ऐसी तारीफ थी कि लोग जो है अंगुश बदंदा रह जाते थे और उनकी इस जुरअत का असर अपनों पर तो होता ही था गैरों पर भी उसका असर होता था। एक मरतबा का वाकया मुझे मौलाना मुजीब अशरफ ने सुनाया कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में गालिबन सफर कर रहे थे, टीटी जो हिंदू था वो टाई बांध करके आया। आपकी आयत करीमा थी कि किसी के गले में टाई देखते सख्त जलाल फरमाते और टाई पकड़ करके खींच लेते थे। यही हुआ कि आपने टाई पकड़ कर खींच ली, वो हैबत से कांपने लगा और फिर उस आपने फरमाया कि तुम ये बताओ कि इसकी क्या हैसियत है। उसने माना कि ये सलीब है किरास है, तो कहा कि क्यों तुम इसको क्यों पहनते हो, तो कहने लगा कि हमें नौकरी की वजह से ये पहनना पड़ती है। तो फरमाया कि ऐसी नौकरी क्यों करता है जिसमें तुझे अपने मजहब के खिलाफ करना पड़ता है। ये हजरत
مفتی اعظم ہند نبر اللہ تعالی مرقدہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک نمونہ تھا اور لوگ ان کے پاس آتے تھے، بظاہر لگتا تھا کہ یہ سیدھے سادھے بزرگ بس تعویذ لکھتے رہتے ہیں، لیکن تعویذ لکھنے میں یہ معاملہ تھا کہ ہم جیسے اور ہماری کیا بساط ہے، کتنے علماء علماء دین بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مستفیض ہوتے تھے، اور ان کے عمل سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے مسائل کا ان کو علم ہوتا تھا۔